हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जगन्नाथ जी की कृपा से सब अच्छे होंगे। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को हमारे प्यारा सा चैनल ब्लूम टू एक्सप्लोर में हार्दिक स्वागत है। मंदारगिरी पहाड़ी, जिसे बसादी बेट्टा के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक राज्य के तुमकुर के पास स्थित एक छोटी लेकिन खूबसूरत पहाड़ी है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम जा रहे हैं मंदागिरी हिल, जो पीकॉक टेंपल के नाम से भी फेमस है, और वो बेंगलोर से अराउंड 70 किलोमीटर दूर है। और हम यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट किए थे कामत रेस्टोरेंट में, लेकिन खाना बहुत ही आभ्रस था। तो इससे पहले भी दो रेस्टोरेंट आए थे, उड़पेई और एक बड़ा रेस्टोरेंट था, लेकिन हमने स्किप कर लिया, यहाँ पर हमने किया है। तो लेकिन प्राइस वाइज ठीक ठाक था, लेकिन खाना पूरा एवरेज से भी बिलो एवरेज में बताऊंगी। तो आप यहाँ पर नहीं तो इससे पहले भी आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, वहाँ पर कर सकते हैं। अभी और 13 किलोमीटर है। हम सुबह सुबह ही निकल गए थे, 6:30 बजे हम निकल गए थे, तो अब 9 बजे दिखा रहा है हम लोकेशन में पहुंच जाएंगे। इस रोड में थोड़ा भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे आदियोगी हम गए थे तो वो 80 किलोमीटर भी बहुत कम टाइम में पहुंच पाए थे, लेकिन यहाँ पर सुबह भी निकले तो क्यों आज भीड़ तो पता नहीं, हर दिन रहता है या नहीं पता नहीं, लेकिन आज तो था। इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज। आज वेदर भी बहुत अच्छा है बेंगलोर में। गुगु का सबसे मजा है पीछे बेड पे, उसका जब मन करे सोया बैठा जो भी करे, उसका सबसे उनका ही दुख है, बेचारे गाड़ी ड्राइव करेंगे। जैन टेंपल है, यहाँ पर रास्ता जो है ना बहुत 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, रास्ता थोड़ा खराब है यहाँ पर। साइड में सब खेती किए हैं। वाओ, कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए। यहाँ से आप टिकट करके जाना होगा। देख सकते हैं टिकट का प्राइस है 40 रुपीज। हमने टिकट ले लिया है। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टॉल है ब्रेकफास्ट के लिए, जो लोग स्किप किए हैं तो जरूरत प्रॉब्लम नहीं है।
हमारे पीछे देख सकते हैं मंदाकिनी हिल, अभी हम जा रहे हैं वो भी वहाँ पर। जो लोकेशन हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि ऊपर बहुत धूप हो जाएगा ना, इसलिए हम यहाँ पर पहले कवर करेंगे, उसके बाद उस एरिया में जाएंगे। और स्टेयर से भी आप जा सकते हैं और गाड़ी लेकर भी आप जा सकते हैं, लेकिन हम स्टेयर से जाना चाहते हैं। चलिए चलते हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य और जैन विरासत तथा आध्यात्मिकता में रचने वाले लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। पहाड़ी तक पहुंचने के लिए लगभग 450 सीढ़ियों की व्यवस्था है, जो मध्यम कठिनाई वाली सीढ़ी चढ़ाई है। पहाड़ी पर चढ़ाई करने के बाद आपको आसपास के परिदृश्य का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जिसमें झीलें और हरियाली शामिल है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्राचीन जैन मंदिर भगवान पार्श्वनाथ 23 व तीर्थकर को समर्पित है। एक बार शीर्ष पर पहुंचने के बाद शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो शहर की हलचल से दूर एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। मंदिर सदियों पुराना माना जाता है और जैन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। देखिए पीछे का व्यू कितना सुंदर है, और इस साइड में भी लेक है, हम वहाँ पर जाएंगे और दिखाएंगे कितना सुंदर लग रहा है ना। और वो एरिया तो कवर मोस्ट करेंगे हम, और यहाँ पर आप वो कुछ टाइम बिताएंगे ना, मन का शांति बहुत लगेगा और अंदर का भी बहुत वातावरण बहुत सुंदर था। पास में स्थित झील एक और खूबसूरत स्थान है, यहाँ पर्यटक प्रकृति की शांति का आनंद ले सकते हैं। ये फोटोग्राफी और पानी के किनारे समय बिताने के लिए आदर्श स्थान है। अभी हम टिकट करके गुरु मंदिर और जैन मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं। मंदारगिरी पहाड़ी की एक मुख्य विशेषता है इसका अनोखा मोर के आकार का गुरु मंदिर, जिसे मैत्री बुद्ध स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आधुनिक और रंगीन संरचना है, जो शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। मेरे
पीछे आप देख सकते हैं महावीर जी का कितना बड़ा स्टैचू है, हमने वहाँ पर दर्शन किया। और अभी हम पीकॉक टेंपल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर छोटा सा गार्डन है, बहुत सारा पौधे लगे हुए हैं और व्यू बहुत अच्छा है। चारों ओर देखिए पहाड़ का पूरा घेरा पूरा है वहाँ पर। ये जो पीछे जो पीकॉक डिज़ाइन का जो मंदिर देख रहे हैं वो गुरु मंदिर है, इसके अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। और यहाँ पर भीतर बहुत सुंदर डिज़ाइन हुआ है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो जगह। अभी हम लेक के पास जा रहे हैं, पर देखिए कितना प्यारा सा लेक है। यहाँ पर आप जितना चाहे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सुकून ही सुकून लगेगा बैठकर टाइम पास करने के लिए। हम जब रिटर्न कर रहे थे यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मोस्ट आप विजिट कीजिएगा। साफ सुथरा और खाना भी अच्छा प्रोवाइड कर रहे थे और सर्विस भी बहुत अच्छा था। अब मैं तो बोले 10 out of 10 मुझे लगा, पूरा व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छा है। आप मस्ट ये जगह विजिट कीजिएगा। इसके साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग प्लेस में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।